हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। आपने आज तक अमीर लोग और अमीर देश जैसे अमेरिका, चाइना, रशिया के बारे में सुना और पढ़ा होगा। यूट्यूब की दुनिया में भी आपको अमीरों से जुड़े कई वीडियोस देखने को मिले होंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम एक ऐसे महाद्वीप की बात करने वाले हैं जिसके ज्यादातर देश गरीब हैं और जिनके पास दो वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं है, जहां भुखमरी आम बात है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किन देशों के बारे में बात कर रहे हैं। ये वही देश है जो हद से ज्यादा गरीब है। गरीबी भी ऐसी है कि अगर एक वक्त खाना खा लिया तो दूसरे वक्त पेट भर पाएंगे या नहीं, इसकी उम्मीद तक नहीं होती है। ये देश इतने ज्यादा गरीब है कि हमारे यहाँ के कुछ अमीरों के नेटवर्थ से भी कई गुना कम तो यहाँ जीडीपी होती है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में अफ्रीका के टॉप 5 सबसे गरीब देशों के बारे में बताएंगे जो भुखमरी के कारण रोजाना जान गंवा रहे हैं। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं उन देशों की सफर पर। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप से कई लोगों के दिमाग में आने वाले एक सवाल को खत्म कर देते हैं। वो सवाल जरूर यही है कि किसी भी देश की गरीबी का पता कैसे लगाया जाता है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि वो देश गरीब है। तो हम आपको बता दें कि किसी भी देश में गरीबी का पता लगाने के लिए वहाँ के जीडीपी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय जैसे कुछ फैक्टर्स को फॉलो किया जाता है। खासकर किसी देश की जीडीपी उसकी गरीबी और अमीरी को सटीक तरह से बताती है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। दोस्तों, यूं तो अफ्रीका महाद्वीप के ज्यादातर देश इन दिनों गरीबी से परेशान हैं, लेकिन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एक ऐसा देश है जो इन गरीबों की लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर है। हालांकि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एक छोटा सा देश है, यहां की आबादी भी लगभग 46 लाख से थोड़ी ही ज्यादा है, लेकिन इसके बाद भी यह देश बहुत गरीब है। जी हां, यहां आज भी ज्यादातर लोग शहरों से बाहर गांव में सड़क किनारे बने मकानों में रहते हैं। इस देश की आधा से ज्यादा आबादी इस गरीबी की समस्या से जूझ रही है। यानी 46 लाख में से लगभग 38 लाख लोग ऐसे हैं जो गरीबी से प्रभावित हैं। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के मामले में ये बिल्कुल गलत साबित होती है, क्योंकि जितना छोटा ये देश है उससे कहीं गुना छोटी यहाँ के लोगों की आय है। हाल ही में पब्लिश की गई कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ गरीबी की दर लगभग 80% है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग आज भी दो वक्त का खाना पेट भर के नहीं खा पाते हैं। एक वक्त का भी भरपेट खाना इन लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट्स में तो इस देश को दुनिया का सबसे भूखा देश भी बताया गया है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में गरीबी के कारण भुखमरी और कुपोषण के मामले भी सबसे ज्यादा इसी देश से सामने आते हैं। इसके अलावा आज भी यहाँ 68% के लगभग लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बद से बदतर है। ये वो लोग हैं जो अपना तो छोड़िए अपने बच्चों का पोषण ठीक से नहीं कर पाते। इसके अलावा यहाँ की पर कैपिटा इनकम भी मात्र 48,000 के आसपास है, और यहाँ के लोगों की औसतन आयु की बात की जाए तो वो महज 53 साल है। अब तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये देश कितना ज्यादा गरीब देश है, क्योंकि 48,000 सालाना इनकम, वो भी आज के टाइम में, हालात वाकई में बहुत बुरे हैं। इसलिए हाल ही में इस देश की गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को मंजूरी दी है। अब इसका असर कितना होता है ये तो फ्यूचर ही बताएगा। नेक्स्ट इज लाइबेरिया। अफ्रीका के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर लाइबेरिया देश का नाम आता है। लाइबेरिया को ऑफिशियल तौर पर द रिपब्लिक ऑफ लाइबेरिया कहा जाता है। ये देश अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो एक छोटा सा देश है। आज के समय में जहां लोग चैन से अपने घरों में बैठकर मजे से भरपेट खाना खाकर सोते हैं, वहां यहां लोग रात रात भर भूख से तड़पते रहते हैं और सुबह इस आस में उठते हैं कि आज कुछ तो मिलेगा। इस देश के हालात बद से बदतर हैं, लेकिन दोस्तों, इस देश में मौजूद गरीबी के पीछे एक कारण है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि 1989 से लेकर 2003 तक चला अफ्रीका का गृह युद्ध ने इस देश को बर्बाद करने में सबसे अहम रोल निभाया। इसके अलावा 2014 से साल 2016 तक रही इबोला नाम की वायरस ने भी यहां के लोगों पर घात किया। इस देश के हालात इतने खराब है कि यहां लोग अपने बच्चों को बचपन में ही काम पर लगा देते हैं, जिससे उनके घर में थोड़ी सी इनकम हो सके, और जिसकी वजह से यहां शिक्षित लोगों का प्रतिशत भी काफी कम है। यहां भुखमरी जैसे हालात आम है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस देश में बीमारियों के अलावा भुखमरी से मरने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा है। हालांकि यहां की सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को इस गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाए, लेकिन अब इस देश की आबादी भी खुद को गरीबी में स्वीकार कर चुकी है। इसलिए यहां गरीबी के साथ साथ आपको गंदगी और भी नजर आएगी। इस देश की सीमाएं सियेरा लियोन, गिनी, कोटेजी आइवर और अटलांटिक महासागर से मिलती है। इस देश के लोगों की अगर प्रति व्यक्ति आय के बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहां के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय हमारे पहले देश की तरह महज 48,000 है, जो अपने आप में गरीबी को संकेत देती है। इतनी आय के साथ ही इस देश की 51% से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। यहाँ के लोगों की औसतन आयु भी सिर्फ 63 साल है। नेक्स्ट इज बुरुंडी। बुरुंडी अफ्रीकी महाद्वीप का तीसरा सबसे गरीब देश है।
एक छोटा सा देश है, लेकिन इस देश की आबादी छोटे देश के हिसाब से काफी ज्यादा है। कुल आबादी की बात की जाए तो वो 1,22,00,000 के आसपास है। आज इस देश के हालात इतने ज्यादा खराब है कि इस देश को अफ्रीका के अलावा दुनिया में गरीब देशों की लिस्ट में रखा जाता है। आज भी इस देश के लोग आपको झुग्गी झोपड़ियों में रहते नजर आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ गंदगी भी बेशुमार है, जो इस देश को बीमारियों के चपेट में धकेलती है। यही कारण है कि बुरुंडी के लोगों को एड्स और HIV जैसी बीमारियां जल्दी पकड़ती हैं। हालात ये है कि यहाँ के ज्यादातर पुरुष दिन भर शराब और ड्रग्स के नशे में चूर रहते हैं, और महिलाओं को मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को चलाना पड़ता है, जिस वजह से यहाँ गरीबी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा देखा गया है कि बेल्जियम से आजादी प्राप्त करने के बाद से ही बुरुंडी हमेशा किसी न किसी तरह की परेशानी से जूझता रहा है। इसके अलावा साल 1994 में हुए गृह युद्ध ने इस देश की बुरी तरह से कमर तोड़ दी है। बुरुंडी में गरीबी की दर की बात करें तो वो 77.72% है, और आज भी इस देश में 87,00,000 से भी ज्यादा लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कि इस देश की कुल आबादी का लगभग 60% है। अगर यहाँ पर कैपिटा एनुअल इनकम की बात की जाए तो वो 51,000 के आसपास है। इसके अलावा इस देश के लोगों की औसतन आयु लगभग 57 साल है। नेक्स्ट इज नाइजर। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो देश आता है उसका नाम है नाइजर। अफ्रीका के पश्चिम में स्थित इस देश का नाम अफ्रीका की सबसे फेमस नदी नाइजर नदी पर रखा गया है। जितना खूबसूरत इस देश का नाम और दृश्य है, उतने ही बुरे हालात इस देश में रहने वाले लोगों के हैं। देश की कुल आबादी की बात की जाए तो वो 2,51,00,000 के आसपास है, और इतनी आबादी को समेट यह देश आज दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में टॉप पर है। इतनी बड़ी आबादी के साथ ये देश $14.95 बिलियन की इकॉनमी पर टिका हुआ है। ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि किसी 2.5 करोड़ की आबादी वाली देश की इकॉनमी सिर्फ $14.95 बिलियन है। ये किसी झटके से कम नहीं है। उस देश में लोगों की हालात कितनी खराब होगी, इस बात का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। ये एक ऐसा देश है जिसकी पूरी की पूरी इकॉनमी फसलों के ऊपर और स्टॉक मार्केट के ऊपर टिकी हुई है। इसके अलावा इनकम का कोई दूसरा सोर्स इस देश के पास न के बराबर ही है, और जो है उनका कोई काम नहीं। दरअसल में दोस्तों, इस देश को गरीब बनने के पीछे एक या दो नहीं बल्कि बहुत से रीजन है, जिनमें भुखमरी, अकाल, धोखेबाजी से लेकर आतंकवाद तक छिपा हुआ है। ये एक ऐसा लैंडलॉक्ड देश है जहाँ पर सूखा सबसे ज्यादा पड़ता है, और आतंकवाद तो इस देश में इन दिनों पाकिस्तान से भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। आतंकवादियों की वजह से भी आज इस देश में इन्वेस्टर्स से लेकर टूरिस्ट कदम तक नहीं रखना चाहते। बता दें, नाइजर के शहरी इलाकों में रहने वाले लोग भी झोपड़ियों में रहते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा लोग मलेरिया की बीमारी से मरते हैं। इस देश में कोई अस्पताल ना होने की वजह से यहाँ के लोगों का इलाज नहीं हो पाता, और लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। यही बड़ी वजह है कि मेडिकल सुविधाओं के अभाव में इस देश में हर साल मलेरिया के कारण देश में हजारों लोग मारे जाते हैं। इसके अलावा नाइजीरिया की सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के द्वारा काफी बड़ा लोन भी ले रखा है, और इस देश में इम्पोर्ट से ज्यादा हिस्सा एक्सपोर्ट का है। यानी यहाँ से सामान बाहर तो जाता नहीं है जिससे पैसे आए, लेकिन हाँ, इस देश में दूसरे देशों से सामान बहुत आता है जिससे बचे कुचे पैसे भी बाहर जा रहे हैं। इन सब के अलावा इस देश को गरीब बनाने के पीछे यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी है, जो अपनी जनता से ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं, और सरकार भी इन भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई लगाम नहीं लगाती, जैसे उनको कुछ मालूम ही नहीं। इस देश में आज भी 41% से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन जीने को मजबूर है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम सिर्फ $1,210 के करीब है, जबकि यहाँ के लोगों की औसत आयु 60 साल के आसपास है। नेक्स्ट इज मोजाम्बिक। अब बात करते हैं आज के आखिरी सबसे गरीब देश की, जो है मोजाम्बिक। यूं तो मोजाम्बिक एक ऐसा देश है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। चारों तरफ खूबसूरती से भरा यह देश अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे गरीब देशों की लिस्ट में गिना जाता है। हालांकि यह देश अपने विकास पर दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा ध्यान दे रहा है, और बीते कुछ सालों की बात करें तो इन सालों में इस देश की इकॉनमी ने रफ्तार पकड़ी है, और अब ये अपने आप को पूरी तरह से डेवलप्ड कंट्री बनाने में लगा हुआ है। लेकिन फिर भी इस देश के लोगों के हालात और यहाँ आज भी पनप रही गरीबी को देखकर इस देश को गरीब देशों की लिस्ट में शुमार किया गया है, क्योंकि अभी भी इस देश को अपनी गरीबी मिटाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। दरअसल ये देश किसी जमाने में पुर्तगाल का हिस्सा हुआ करता था, और 25 जून 1975 को ये देश पुर्तगाल से अलग हो गया। लेकिन पुर्तगाल से अलग होने के बाद भी इस देश में शांति नहीं देखी गई। लगभग 16 सालों तक इस देश ने गृह युद्ध का सामना किया, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों की हालात दिन ब दिन खराब होते चले गए, और ये देश हद से ज्यादा गरीब देश बन गया। मोजाम्बिक देश गरीब होने की सबसे बड़ी गलती ये है कि यहाँ के कुछ ही लोगों के पास पूरी ताकत है, और उन्हीं लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा भी। ऐसे में यहाँ के 95% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, और बाकी के 5% लोग बहुत अमीर हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मोजाम्बिक देश के 46% से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन
जीवन यापन कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ की सालाना प्रति व्यक्ति आय महज 38,000 है। अब आप ही बताइए, इतनी कम पैसों में घर चलता है क्या? तो दोस्तों, ये थे वो 5 अफ्रीकन देश जो हद से ज्यादा गरीब है, जहाँ जिंदगी बिताना सबसे मुश्किल है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। क्या आपने कभी इन देशों की सैर की है? अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।